और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बताएं, गुजरात के बाद तूफानी हवाएं राजस्थान भी पहुंच गई है और इसका असर भी अब दिखने लगा है। तूफान बिपरजॉय की वजह से बाड़मेर में भारी बारिश लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी तक भी भर गया है। वहीं तूफान की वजह से कई पेड़ गिर चुके हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। बाड़मेर में 5,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तूफान की वजह से बाड़मेर जालौर में अगले कुछ घंटे के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बाड़मेर से आने जाने वाली सभी ट्रेनों को एहतियातन रद्द कर दिया गया है। तो वहीं तेल रिफाइनरी में 2 दिन के लिए काम बंद हो चुका है। तूफान को देखते हुए जैसलमेर से 450 लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो वहीं जोधपुर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा आपको बताएं, कोचिंग, जिम, पर्यटन स्थल 2 दिनों के लिए अब बंद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। पहले गुजरात में बिपरजॉय का असर देखने को मिला और अब इसका प्रवेश राजस्थान में भी हो चुका है। हालांकि इसको लेकर तैयारी वहां पर पूरी है। इससे पहले भी जो सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने भी इसको लेकर गंभीरता जाहिर की थी, मीटिंग ली थी और इसी का नतीजा है कि जो इलाके ज्यादा प्रभावित है वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है और लगातार किया भी जा रहा है। बाड़मेर की अगर बात करें तो भारी पानी यहाँ पर देखिए सड़कों पर कैसे भर गया है। जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं वो बाड़मेर की है। लोगों का चलना यहाँ पर मुश्किल हो चुका है। अब ऐसे में वो लोग सोचिए जो आसपास घर रहे होंगे, इसीलिए उन्हें समय रहते पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। अब बड़ी खबर ये है कि तूफान का खतरा अभी भी राजस्थान में टला नहीं है। तूफान का खतरा, जो तूफान की आंच है वो राजस्थान तक भी पहुंच चुकी है।